जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया, मतलब 5 महीनों के बाद मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ मैं आज। एनीवेज इट्स ऑलमोस्ट 5:45 इन द मॉर्निंग, 5:30 के आसपास हम लोग घर से निकले हैं एंड रीचिंग चौक जंक्शन। पहुँचना है अपने को फाउंटेन होटल के आगे, एक मीटअप पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से फ्लैग ऑफ होगा राइड। सो इट्स शोइंग अराउंड 2 hours and 15 minutes बिकॉज घोड़बंदर रोड एज यूजुअल अर्ली मॉर्निंग पूरा ब्लॉक हो चुका है। और अभी फिलहाल यहाँ से नेशनल हाईवे में टच करेंगे, सो वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस। वैसे भी गर्मी बढ़ने से पहले जितना हो सके डिस्टेंस कवर करना है। सिटी 6:00 इन द मॉर्निंग, फिर भी क्राउड देखो रोड पे। 6:10 पनवेल क्रॉस करके कलंबोली जंक्शन पहुंच गए, मतलब अराउंड 35-40 किलोमीटर्स डन 40 मिनट में। ठीक है, नॉट बैड। लेकिन अभी यहाँ से जैसे जैसे सिटी में जाएंगे ट्रैफिक बढ़ते जाएगा, सो होपफुली ज़्यादा स्लो डाउन ना होना पड़े। नॉर्मली तो सीधा जाते हैं थाने के लिए, बट आज हम ये लेफ़्ट टर्न लेंगे ऐरोली वाला रूट। ओनली रीज़न इज़ स्ट्रेट रोड पे कड़वा और थाने दोनों सिटीज़ में से क्रॉस होना है, और थाने का मेन माझेवड़ा जंक्शन है वो भी लगेगा। और ये रूट अवॉइड करने का रीज़न होता है कि यहाँ पे 2 टोल प्लाजाज लगते हैं। ऑफकोर्स बाइक के लिए टोल नहीं है, लेकिन ट्रैफिक होता है टोल प्लाजा पे। बट रिसेंटली 4 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये दोनों टोल्स बाइक कार के लिए फ्री कर दिए। बाप रे, ऊपर से ट्रेन जा रही है, आवाज़ देखो। सो एज आई वॉज सेइंग, ये दोनों टोल्स कार के लिए, मतलब लाइट व्हीकल्स के लिए फ्री कर दिए। सो होपफुली दैट हैज रिजॉल्व सम ट्रैफिक इशू। लेट्स ट्राई। अच्छा डिसीजन लिया ऐरोली साइड से आने का, बिकॉज विद इन 3 or 4 minutes दोनों टोल प्लाजा क्रॉस करके हम थाने में पहुंच गए। सो स्ट्रेट रोड से अभी तक कड़वा भी नहीं पहुंचे, मतलब एटलीस्ट 10 मिनट तो सेव कर लिया आराम से। सो इट वॉज अ गुड कॉल। प्यारा प्यारा खूबसूरत नज़ारा, लुक एट दैट, सनराइज हो रहा है राइट साइड में। ओप्स, सनसेट हो गया फिर से। फ्लाईओवर पे सनराइज हो गया है, जमीन पे नहीं हुआ अभी, जमीन पे होने के लिए थोड़ा टाइम है। काय सीन चालू आहे हा, रॉन्ग साइड ने आलेत सगळे। मैटर क्या है? वो क्या रहा है, ये सब उल्टे घूम रहे हैं। अच्छा, नासिक रूट पूरा पैक है शायद नीचे। हाँ, ऑल राइट। सो अभी सामने दिख रहा है ट्रैफिक। ऑलमोस्ट हम लोग कहाँ पहुंचे मालूम है? कासारवाडोली, मतलब ठाणे सिटी का ऑलमोस्ट एग्जिट पॉइंट। सो अभी यहाँ से हम मैप कनेक्ट करेंगे। रीज़न बीइंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जब ट्रैफिक रहता है ना, तो गूगल सजेस्ट करता है ये सर्विस रोड से जाओ या उल्टी साइड के सर्विस रोड से जाओ, एंड मोर ऑफन दैन नॉट इट हेल्प्स। सो इट्स बेटर। ऑलराइट, गेट डायरेक्शंस। सी, बीच में पूरा ट्रैफिक है इधर। 49 मिनट्स दिखा रहा है, बा बा बा। सी, 11 किलोमीटर के लिए 48 मिनट्स। खपलो चला, हार्डशिप बिगिंस। सी, मैंने बोला था ना वो कभी कभी रॉन्ग साइड से जाने के लिए बोल देता है। अभी देखो राइट, मतलब उस तरफ वाले सर्विस रोड पे जाने के लिए बोल रहा है। सो होपफुली यहाँ पे क्रॉस करने मिल जाए।
लेट्स सी, अगर मैं सीधा जाता हूँ तो 7 मिनट्स लोअर है, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। मैप लगाया तब कितना था, 6.4 किलोमीटर्स, अब सॉरी 11 किलोमीटर ना, अभी है 6.4, मतलब हार्डली 5 किलोमीटर आया आधे घंटे में, 7:26 हो गए। फाइनली वो घाट सेक्शन क्रॉस करने के बाद फ्री रूट मिला, फाउंटेन होटल पे पहुंच गया, बट द टाइम इज 7:32, मतलब 7 बजे का जो फ्लैग ऑफ था अब आधा घंटा लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड 9 या 10 बाइक्स पहुंच चुकी थी वहाँ पे। सो मुझे जब कॉल आया रोहित का तो मैंने बोल दिया कि भाई तुम लोग आगे निकलो, सीधा ब्रेकफास्ट के पॉइंट पे मिलेंगे। फाउंटेन होटल क्रॉस करके निकले, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आगे सब कुछ अच्छा है। अभी प्रियंका को थोड़ा सा भूख लग रही थी तो मैंने बोला सबके लिए सिल्वर माइल्स ब्रेकफास्ट के लिए डिसाइड किया है कि वहाँ पे रुकेंगे सब लोग, सो दैट अभी इस रूट में कोई आगे निकला है पीछे निकला है तो वहाँ मिल सकते हैं। बट अभी जस्ट मैंने नेविगेशन लगाया, सिल्वर माइल्स इज शोइंग 49 किलोमीटर्स एंड 1 आवर 40 मिनट्स, मतलब आगे भी बैंड बजी पड़ी है। विरार के पास फाइनली सब लोग मिल गए जो लोग आगे निकले थे, एवरीवन एक्चुअली रुके थे साइड में थोड़ा। सो राइट नाउ वी आर लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 बाइक्स, क्वाइट अ गुड लाइन अप फ्रॉम हियर नाउ। चलो अच्छी बात है, लेट्स रोल। तेजस चांगावर टाकायची का गाडी? आराम से भाई, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर हो गए हम लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं। आई नो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ऑफकोर्स दिस इज नॉट अलाउड, रिकमेंडेड तो बात की बात है, बट 5 किलोमीटर स्टैंड स्टिल, नॉट अ सिंगल व्हीकल इज मूविंग, क्या करोगे आप? मतलब कहीं पे अगर आपको सुबह पहुंचना है तो शाम को पहुंचोगे? सिस पथेटिक, क्या हालत कर रखी है यार, इतना मिजरेबल ट्रैफिक कभी नहीं देखा था। ऑलमोस्ट 8:50, मतलब जब थाने सिटी में एंट्री किया तब 6:50 हो गया था, 2 घंटे लगे, 2 घंटे के बाद पहली बार 6th गियर में ऐसे गाड़ी चल रही है। नहीं तो इतना पूरा टाइम है ना 4th-5th गियर मैक्स था, वो भी बीच बीच में ऐसे थोड़ा बहुत पैच मिला तो फिर अटक गए, फर्स्ट गियर में ही चली है गाड़ी। दिस क्रेजी, सीरियसली बहुत गंदा ट्रैफिक हो गया है ये बाबा। तो मग अशी आम्ही पण रॉंग साइड नी चालू म्हटलं आणि तुला पण शिवाय देऊ शकत नाही। Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. All right, as you know, 12:15 के आसपास हम लोग पहुंचे यहाँ पे, लेकिन अभी कितने बज रहे हैं मालूम है, 1:15, 1:10 में भी। सो 1 घंटा हुआ पहुंच के, बट स्टिल वी आर सेटलिंग डाउन। इतनी गर्मी हो रही है क्योंकि दैट एसी 21 पे है, लेकिन अभी तक रूम में 21 हो नहीं पाया है, आई एम स्टिल स्वेटिंग। सो
मैं चेक इन वगैरह प्रोसेस कुछ शूट नहीं कर पाया, हिम्मत ही नहीं थी। आई जस्ट मेट ऑल द टीम जो मुझसे पहले पहुंचे थे, जो हमारे पीछे पीछे आए, सबको मिला, चेक इन और फॉर्मेलिटीज किया, रूम में आके चेंज किया, पहले तो सब राइडिंग गियर्स उतार के रखे, एंड नाउ आफ्टर रिलैक्सिंग अ बिट उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी लंच के लिए नीचे जाना है, बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू द रूम एंड द व्यू आउटसाइड दिस रूम। सो सबसे पहले चलो ड्रोन का उद्घाटन करते हैं, इस रूम से दिखने वाला नजारा आपको दिखाते हैं। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट ओवरलुकिंग द दुधनी लेक, बहुत बढ़िया नजारा है। आई होप यू लाइक दैट शॉर्ट्स, और पुराने चेहरे वापस एक बार दिखा देते हैं। पहचानते हो इसको? ए, ते छपरी गिरी बंद कर टिकट। हाँ अभी पहचानते हो? वापसी हुई है व्लॉग के अंदर। मुंबई छोड़ के गुजरात के हो गए ना, तब से दिखते नहीं है अपने व्लॉग में। ऐसा कुछ नहीं, गुजरात आया तब से कब दिखा है व्लॉग? तुम मेरे घर कितने दिन आए? मैं कब से बुला रहा हूँ? व्लॉगिंग करने के लिए ना घूमना होता है, वो घूमने की जगह सब हमारे पास बहुत है। कुछ है, कुछ नहीं है गुजरात में। है, आवा है, डांग है, सप्तशृंगी है, त्र्यंबकेश्वर है, बहुत कुछ है हमारे पास। सप्तशृंगी त्र्यंबकेश्वर सगा आमच्या महाराष्ट्रात है, पर हमारे यहाँ से भी आता है। चलो इट्स लंच टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock, एक्चुअली 1 बजे ही लंच चालू हो गया है, बट ऊपर थोड़ा एसी में बैठे थे ना, एंड आई टुक द ड्रोन शॉट्स एंड ऑल, सो अभी नीचे आया हूँ। And I'm right here at the entrance lobby. Look at this, beautiful. अभी थोड़ी देर पहले इसी के ऊपर टेरेस में खड़ा था मैं, जहां से ड्रोन शॉट लिया। चलते हैं अंदर और आपको डाइनिंग दिखाता हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल रिसोर्ट, बहुत अच्छा सेटअप है। अभी गो हेलो, तुमच्या फोटोसाठी तर घेऊन आलो सगळं। हॅलो, अरे हा ओके जी, हॅलो झालं जेवण? हॅलो, अभी अभी थोडासा मूड में आ गया ना। हाय, सगळे जेवतात, आपणच लेट आहे। कसं आहे जेवण? चालेल, काय घेऊ? सगळं वेज खात आहे, चिकनच खाणार ऑब्व्हियसली, तुम्हाला वाटतं मी पनीर घेणार आहे। जेवायला घेऊया पहिले, भूक लागली मजबूत, नंतर बोलूया। सो ऑलमोस्ट 4 o'clock और क्या माहौल बन गया बाहर। मतलब थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था ना, आई वॉज कंप्लेनिंग कि बहुत गर्मी है, एंड लुक एट दिस नाउ। पूरा सीन ही चेंज हो गया, इस तरफ पूरा खुला खुला आसमान है और इस तरफ से क्या बारिश आई है, पूरे लेक के ऊपर है ना धुआंधार बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही है। सच एन अमेजिंग सीन ओवर देयर, सी अनबिलीवेबल। ये आया थंबनेल। सुपर। ऑलमोस्ट 6 o'clock इन द इवनिंग और अभी यहाँ पे काफी सारे, नहीं बोल सकता, 2 अलग अलग जो इस इवेंट के स्पॉन्सर्स नहीं बोल सकते, इस इवेंट के सपोर्टर्स प्रमोटर्स है, उनके ब्रांड
डेमोन्स्ट्रेशन हुए. वन इज द ल्यूब्रिकेंट्स प्रोडक्ट वर्थ, इट्स अ अमेजिंग प्रोडक्ट लाइनअप. इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके और दे हैड देयर रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने सारे डिटेल्स वगैरह बताए वो प्रोडक्ट्स के बारे में. एंड द सेकेंड वन इज दिस इनविंसिबल ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस, राइट? या पढ़ लेना अगर मैं गलत हूँ तो. सो इट्स अ डीकार्बोनाइजिंग सर्विस, ऐसा कुछ बाइक के लिए या कार के लिए होता है ये भी मुझे पता नहीं था, बट अभी पता चल रहा है. नई नई चीजें आती रहती है. सो दिस इज अबाउट द इवेंट. दिस इज द 10th एनिवर्सरी ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड इंडिया. फ्लाइंग स्क्वाड इंडिया को मैं मानता हूँ इसलिए क्योंकि जब से मैंने सीरियसली राइडिंग स्टार्ट किया ना, तब से फ्लाइंग स्क्वाड इंडिया से जुड़ा हुआ मैं. एंड इफ यू कैन सी, अभी थोड़ा सा ये कोने में चला गया लेकिन अपना भी नाम है इधर, काउंटिंग किलोमीटर्स एंड ऑल्सो ईवा एडवांस सॉल्यूशंस, ये भी अपना ही ब्रांड है. सो आई एम ऑफिशियली कनेक्टेड विद दिस क्लब सिंस 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बड़ा लंबा नाता है. एनीवेज अभी अंदर हॉल में अच्छा खासा इवेंट होने वाला है. इवेंट मीन्स देयर विल बी गेम्स, देयर विल बी क्विजेस, पजल्स, वी हैव अ होस्ट, उसके बाद डीजे पार्टी एंड एवरीथिंग. अच्छा खासा इवेंट लाइनअप है. फिलहाल वहाँ पे हाइटी स्टार्ट हो चुका है. सो आई टेक यू इन टू हैव अ लुक एट द हाइटी एक्सपीरियंस. सो वी हैव दिस कैलाशा बैंक्वेट हॉल. It's an amazing setting. What do we have here? Oh, vada pav. Pure Maharashtrian nashta. And we have some coffee and cookies. Yes? Jalebi papda. जलेबी फाफड़ा चाहिए कल ब्रेकफास्ट में. राइट, सो दिस इज द सेटअप फॉर नेक्स्ट 3-4-5 आवर्स, आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स. डिनर भी यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है. अभी चिल आउट एंजॉय करना है. गुड मॉर्निंग एवरी वन. इट्स वैसे एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं है, इट्स ऑलरेडी 8:45 ऑलमोस्ट, बट मैं सुबह 7 बजे से इधर हूँ नीचे. सुबह सुबह उठ के जो मूड आया ना, आई वॉज लाइक कि आज कूल में एंजॉय करना ही है. तो 7 बजे उठा, मेड अ कॉफी फॉर माई सेल्फ, कॉफी पी के नीचे आया, कूल में कूद गया, स्विमिंग भी एंजॉय किया अच्छे खासे, बहुत टाइम के बाद लैप्स भी किए. सो थोड़ा सा कंधे में दर्द भी हो रहा है अभी बिकॉज आदत नहीं है, बट देन आई फ्लीव द ड्रोन. बहुत सुंदर ड्रोन शॉट्स मिले. आई वॉज लाइक वाओ मॉर्निंग सीन्स. एंड आई मस्ट से दिस DJI Neo इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. मतलब ऑब्वियसली देर आर ड्रोन्स विच आर बेटर, लेकिन ये इतना सा खिलौना जिस तरह से फ्लाई करते हैं और जिस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं ना, आपने देख अब देख रहे हो इस व्लॉग में, दिस इज अमेजिंग अमेजिंग. एंड सबसे अच्छी बात क्या थी मालूम है? दिस इज एक्चुअली वार्म वाटर, मतलब हीटेड पूल वगैरह नहीं है, बट इट हैज सो हैपेंड कि अच्छा खासा गर्म पानी है अभी इधर, तो मजा आया तैरने का भी. नाउ द कॉल अप टाइम इज एट 9 AM. 9 AM को हमें गैदर होना है ग्रुप फोटो के लिए इन द इवेंट टी शर्ट. सो अभी मुझे भागना पड़ेगा रूम पे, जाके तुरंत चेंज करके वापस नीचे आना है. सो मैं चेंज करके आता हूँ और आने के बाद ग्रुप फोटो सेशन के टाइम पे फिर से मिलते हैं. ये हो गया टायर चेंज. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट द गुडीज बैग. बहुत अच्छा किट है गुडीज का,
and it's being distributed right here in the hall. गुड मॉर्निंग निलेश सर जाम मोटी प्रॉपर्टी घेऊन बसले तिथे नंबर बॅगा भरून भरून माल आणलंय Okay, so everything is done. Group photos, breakfast, सब हो गया. It's time to check out. In fact, आधे लोग तो check out करके निकल भी गए. गैरेज वाले चाचा यस इनके बारे में अभी इंट्रो नहीं देने वाला हूँ मैं बिकॉज यू ऑलरेडी नो अगर नहीं देखा है तो अपना बेनेली के सर्विस का टायर चेंज का ब्लॉग है आई विल पुट द लिंक ओवर हियर देख लेना कांदिवली में हमारा ब्रांच है यस कांदिवली वाले ब्रांच में ही अपना बेनेली का काम किया था उसका ब्लॉग है अपने चैनल पे आई विल पुट द लिंक डू वॉच इट ओवरऑल हाउ वॉज द इवेंट वेरी गुड अब तक का बेस्ट है एग्जैक्टली यस दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग नंबर 10 दिखता है ना बिग नंबर टू डिजिट नंबर वो टू डिजिट वाला नंबर मतलब 2018 से 2024 तक जो बिग मीट्स हुए हैं दिस वाज स्पेशल दिस वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड और एकदम कॉर्पोरेट इवेंट जैसा हुआ है डीजे वाले थे दैट इज समथिंग व्हिच वी गॉट इट सर को पूछना है सर आपको कैसा लगा इट वाज गुड मेरी फैमिली हैप्पी है आई एम सो हैप्पी चलो अभी वापस 200 किलोमीटर का राइड है और उसमें एक घंटे का ट्रैफिक जाम है मुंबई वालों के लिए आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई नाउ हम लोग अभी एकदम सीनिक वाला रूट लेने वाले बट आई एम नॉट गोइंग टू शूट अ व्लॉग मे बी आई शूट अ सेपरेट व्लॉग बट दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू एंड ओवर हियर सो डू टेल अस हाउ यू लाइक द सेलिब्रेशंस डू टेल अस हाउ यू लाइक द ड्रोन शॉट्स बिकॉज नया ड्रोन पहली बार फ्लाई किया पहली बार आपके सामने ये ड्रोन शॉट्स आ रहे हैं सो कैसा लग रहा है ओवरऑल कुछ डाउट्स है ड्रोन के बारे में किसी और चीज के बारे में जरूर बताइए आई विल प्रॉमिस यू कि ट्राई करूंगा इससे आगे वापस कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा जैसे पहले कंसिस्टेंट ब्लॉग्स आते थे फिर से आएंगे ऐसी कोशिश जरूर करूंगा लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज अहेड बट तब तक के लिए एज वी ऑलवेज से Stay tuned, stay connected and stay happy. Keep counting kilometers.